वाला E20 मॉडल जो मेरे पास अवेलेबल है, हीरो की पहली स्प्लेंडर E20 2023 मॉडल। तो गाइस कुछ इस टाइप से आपको मिलेंगे E20 एथेनॉल 20% और पेट्रोल 80%। तो गाइस फिर मिलो। सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की वीडियो होने वाली है स्प्लेंडर एक्सट्रैक्ट न्यू E20 मॉडल पे। तो गाइस ये है फ्रंट की लुक जो काफ़ी मज़ेदार लुक है, और गाइस इस मॉडल में कोई खास चेंजिंग नहीं हुई है, बस E20 मॉडल कर दिया गया है। तो इसकी फ्रंट प्रोफाइल कुछ इस टाइप से आपको मिलेंगे। यहाँ पे DR लाइट जो अवेलेबल है वो मिलेगा, और राइट साइड की ओर आएंगे लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट और राइट आपको इंडिकेटर सिल्वर कलर के मिलेंगे जो कि उस मॉडल में पीला आती है। तो गाइस इस E20 मॉडल आपको दो वेरिएंट में अवेलेबल है, एक सिंपल में और एक एक्सट्रैक्ट मॉडल में। तो फ्रंट की लुक कुछ इस टाइप से आपको रहेंगे, जो कोई खास चेंजिंग नहीं है, 1% भी चेंजिंग नहीं है। और गाइस इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो कुछ इस टाइप से रहेगा, और इस साइड भी आपको कुछ खास चेंजिंग नहीं मिलेंगे इस मॉडल में। बस चेंजिंग मिलेगा तो एक E20 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल। तो गाइस ये रही साइड प्रोफाइल इसकी, और फ्रंट की बात करूँ तो गाइस कुछ इस टाइप से आपको मीटर मिल जाएंगे जो पहले भी आपको मिलते थे कुछ इस टाइप का, और यहाँ ऑन ऑफ करने पे कुछ ऐसा का इंटरफेस है। यहाँ पे हेलो माय हीरो आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे फ्यूल गेज मिल जाएगी, यहाँ पे माइलेज मिल जाएगी, यहाँ पे न्यूटन ICS ECU लाइट इंडिकेटर लेफ्ट राइट मिल जाएंगे। तो गाइस कुछ खास चेंजिंग के साथ नहीं, और यहाँ पे आपको चार्जिंग सिस्टम जस की तस आपको मिल जाएगी इस मॉडल में भी। और इसके जस्ट नीचे अपोजिट आएंगे यहाँ पे E20 लिखा हुआ मिलेगा, बस चेंजिंग है तो यहाँ पे आपको टंकी पे आएंगे तो E20 लिखा हुआ मिल जाएगा। सो गाइस कुछ इस टाइप से इसका इंटरफेस, और इसमें एथेनॉल 20% यूज होगी, और रियर प्रोफाइल कुछ इस टाइप से है। आप रियर प्रोफाइल आपको कुछ इस टाइप से मिलेंगे, और इसकी इंडिकेटर की बात करें तो वाइट कलर में काफ़ी खूबसूरत और इस टाइप से आपको इंडिकेटर मिल जाएंगे। इसके नीचे आएंगे तो सारी गार्ड जो यूज़ होता है वो रेड कंपनी करेगी। यहाँ पे स्प्लेंडर प्लस की क्रोम मिल जाएंगे आपको, और यहाँ पे आएंगे तो आपको I3S मिल जाएगी I3S, और जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक्सट्रैक मिल जाएगी। यहाँ पे ब्लैक फुल्ली ब्लैक है, फुल्ली ब्लैक इंजन आपको मिल जाएंगे, और इस साइड आएंगे तो इंडिकेटर चार्जिंग सिस्टम, मतलब कोई खास चेंजिंग नहीं किया गया। और नीचे की ओर आएंगे तो टेम्परेचर सेंसर आपको मिलते हैं, वो भी मिल जाएंगे, सेम चीज़ है। यहाँ पे 33 नंबर रहती है वो है, यहाँ पे पावर स्टार्ट और FI इंजन लिखा हुआ ये है, कोई खास चेंजिंग इसमें नहीं है। थ्रॉटल बॉडी में थोड़ी सी चेंजिंग यहाँ पे हमको देखने को मिला है, मेरे हिसाब से इस वाले गेज मोड जो थ्रॉटल बॉडी है कुछ चेंजिंग लग रहा है, यहाँ पे थ्रॉटल बॉडी में कुछ चेंजिंग है, और इसमें चेंज किया भी होगा कंपनी तो 2-3 चीज़ आपको चेंज किया है, जैसे मैं आपको हम बता दे रहे हैं। फ्यूल टैंक में जो मीटर होती है, फ्यूल मीटर, वो चेंजिंग हो सकता है। और यहाँ पे आपको पावर स्टार्ट बटन मिल जाएगा, स्टार्टिंग वाइस में भी कोई आवाज़ नहीं है, यहाँ हॉर्न और इंडिकेटर और अपर डिपर लाइट आपको मिल जाएंगे। तो बस कुछ खास है इस मॉडल में नहीं आपको मिलेंगे। तो कैसे इस टाइप से आपको कॉलिंग सिस्टम, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो पहले आती थी वही आपको मिलेंगे। थोड़ी सी कुछ बदलाव इस मॉडल्स में नहीं दिख रही है, बस अंदर की बदलाव की है, और कंपनी का दावा है कि कुछ उस मॉडल से इस मॉडल्स की माइलेज एक्स्ट्रा रहेगी, और रियर पोर्शन सस्पेंशन जो पावर आते थे वही पावर के रहेंगे। ऐसा कुछ दिख नहीं रहा इस मॉडल्स में, कंपनी का 25% की माइलेज है इस मॉडल्स में अवेलेबल कर रही है। और एक बात और गाइस, इस मॉडल की पेट्रोल प्लस एथेनॉल यूज करना है, तो एथेनॉल मिलेगी कहाँ, ये भी बहुत बड़ी समस्या है अभी
अभी तो पटना की बात करूँ तो हमको नहीं लग रहा है कि एथेनॉल अवेलेबल है कहीं, कि 20% एथेनॉल हम लोग यूज कर सकते हैं। तो गाइस ये भी एक बड़ी समस्या है, एथेनॉल अवेलेबल होगी नहीं, पेट्रोल से चलेगी तो क्या प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी, ये तो आगे देखा जाएगा। प्रॉब्लम आएगी तो उसकी उस पर भी हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या नहीं। तो गाइस कोई खास चेंजिंग नहीं है इस मॉडल्स में और एक्सटेक में, बस एक ही चेंजिंग है जो है E20। यहाँ पे इस मॉडल्स में भी आपको कट ऑफ मिलती है, वो भी अवेलेबल है, साइड स्ट्रीट लाइट कट ऑफ और कुछ फुल्ली ब्लैक में मज़ेदार लुक। आगे पीछे आपको ट्यूबलेस टायर अवेलेबल होते थे। बस गाइस बोला जा रहा है कि कोई खास चेंजिंग नहीं है इस मॉडल में, वाकियों में नहीं है, वह C20 कर दिया गया है। E20 आपको दो वेरियंट में अवेलेबल होंगे, एक एक्सटेक में और एक सिंपल में। तो इसी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, जैसे नई अपडेट आएगी तो फिर हम आपके लिए लेकर आएंगे न्यू वीडियो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।